नमस्कार, फ्लावर्स एंड किचन गार्डन में आपका स्वागत है। और देखिए, आज सुबह सुबह जब मैं छत पर आई तो गिलहरियों ने क्या कर रखा है। मैंने कच्चे सूत वाली जो सुतली होती है उससे मैंने अपनी बेल बांधी हुई थी जो इस ड्रम में लगी हुई है, तो उसने ये गिरा दी। क्योंकि उसको अपना घर बनाने के लिए वो सुतली वाला धागा चाहिए था, और वो हर साल ऐसे करती। पिछले साल भी उसने ऐसे ही किया और स्ट्रॉबेरी में सकर्स निकलना स्टार्ट हो गए हैं, और इन सकर्स से हम न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। और आज का मेरा ये वीडियो मेरी गार्डन अपडेट है, किचन गार्डनिंग अपडेट भी देऊंगी मैं इसमें आपको, और कुछ फ्लावर्स भी दिखाऊंगी। तो ये देखिए, अभी आपको मैंने जो ग्रोबैग दिखाया उसमें कुछ लौकी के पौधे लगे हुए हैं, और ये क्यूकम्बर लगे हुए हैं। इनमें मैंने सभी में क्यूकम्बर्स ही लगाए हैं, कुछ बड़ी साइज़ के हैं, कुछ छोटी साइज़ के हैं। और देखिए, इसमें कैरेट में मैंने लौकी का सीड डाला था। आई थिंक ये पिछले साल के सीड्स हैं, इसलिए अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे हैं, वरना दो बारिश तो अभी तक हो चुकी है, तो उससे इसकी ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए थी। पालक की वजह से इसकी ग्रोथ नहीं रुक सकती, क्योंकि पालक की रूट्स इतनी हैवी नहीं होती है, इतनी गहरी नहीं होती है कि वो लौकी के ग्रोथ को अफेक्ट करे। और ये देखिए, मेरी सुंदर सी पोर्चुलका की बास्केट जो बहुत ही सुंदर है। हाइबिस्कस भी रोज़ कम से कम दो फ्लावर्स तो हाइबिस्कस में खिलते ही हैं, और नाग चंपा में भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और ये वो पौधा है जिसे मैं रोड साइड से कटिंग लेकर के आई थी, और मैं सिंगल कटिंग लाई थी सिर्फ 1 फीट की, और उसके बाद जब वो 2 फीट की हुई तो मैंने उसकी पिंचिंग कर दी और 3 ब्रांचेस इसमें से निकली, और 1 ब्रांचेस और नीचे से आ रही है। और इसी गमले में कुछ गेंदा के भी सीड्स रह गए होंगे, तो वो बारिश होने की वजह से ग्रो हो गए। और देखिए ये आइपोमिया, कितना सुंदर फ्लावर, आज बहुत सारे फ्लावर्स खिले हैं इसमें। और ये भी हमें नॉर्मली रोड साइड में देखने को मिल जाती है बेल, और इस पर काफ़ी सुंदर फ्लावरिंग होती है। देखिए कितने सारे फ्लावर्स खिले हैं, और भी फ्लावर्स खिले हैं ये देखिए। और ये बस एक दूसरे में से ब्रांचेस निकलती जाती है और ऐसे ही फैलती जाती है। अगर आपको एक नेट की तरह इसे नेट की तरह आपको कोई चीज़ को कवर करना है तो आप ये वाली बेल लगाइए, तो बहुत ही सुंदर इसके फ्लावर्स भी खिलते हैं और ये बेल भी बहुत सुंदर लगती है। अगर आपको पूरी एक वॉल कवर करनी है तो आप इस बेल को लगा सकते हैं। और अब आ जाते हैं किचन गार्डनिंग अपडेट में। सबसे पहले ब्रिंजल, क्योंकि बारिश होने के बाद जिसने सबसे पहले रिस्पॉन्स किया वो बैंगन ही है। एक्चुअली मैंने इसमें सीवीड फर्टिलाइज़र का भी, लिक्विड वाला जो फर्टिलाइज़र होता है उसका भी यूज़ किया है, और मुझे बहुत ही अच्छा इसका इफ़ेक्ट देखने को मिला है। मैंने अभी तक सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं किया था, मैं सिर्फ जो ऑर्गेनिक मैं बनाती हूँ गोबर के खाद से लिक्विड, उसी को मैंने अभी तक यूज़ किया। बारिश होने के बाद कुछ फ्रूटिंग्स होना स्टार्ट हो गई है, तो जो गर्मी में हमने पहले सब्जियां लगाई थी वो कुछ कुछ ही हमें मिल रही थी, तो अब हमें बहुत सारी मिलने लग जाएगी। फ़िलहाल तो नहीं मिल रही हैं, मैं बताऊंगी आपको। ब्रिंजल बहुत सारे बन रहे हैं, भिंडी मुझे, मैं कभी कभी 5-6 ले जाती हूँ और कभी कभी मुझे 1-2 मिलती है, लेकिन भिंडी के जो प्लांट्स हैं वो ज़्यादा गर्मी होने की वजह से बहुत से बीच बीच में सीडलिंग्स मेरी मर भी गई, इसलिए भिंडी मैंने और लगाई है। जब वो सारी बड़ी हो जाएगी एक साथ तो ज़रूर आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए, ब्रिंजल बनना स्टार्ट हो गए हैं, और सीवीड का बहुत अच्छा असर मुझे देखने को मिला। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो हमें फ्रूटिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है, कि बहुत कम फ्रूटिंग्स होती है। तो देखिए, अगर आप ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग करते हैं तो आप सिर्फ 2 ही मौसम पर डिपेंड हो सकते हैं, या तो आप बारिश में या गर्मी में, क्योंकि इन्हीं गर्मी में नहीं, बारिश में और ठंड में, क्योंकि इन्हीं मौसम में अच्छे से ऑर्गेनिक खेती की जा सकती है। गर्मी में मैंने जो ये ऑर्गेनिक खेती करने की कोशिश करी है, इसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आई है। मुझे कुछ चीज़ों का उपयोग करना पड़ा, जैसे ट्राइकोडर्मा है, इसका मुझे यूज़ ज़्यादा करना पड़ा, और सीवीड मुझे ज़्यादा यूज़ में लेना पड़ा, मतलब मुझे ख़रीदना पड़ा। मैं पहले नहीं ख़रीदती थी, मैं जीवामृत बनाती थी और उसी से पौधों को डालती थी, तो वो बारिश में और ठंड में हो जाते हैं, फ्रूटिंग्स अच्छी होती है उससे। लेकिन अगर आप गर्मियों में फ्रूटिंग लेना चाहते हैं
तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पौधों को देना ही होगा। और मैंने सीवीड दिया क्योंकि मैं सिर्फ ऑर्गेनिक ही ट्राई करना चाहती थी। मैं आपको ट्रूली ये कहना चाहती हूँ कि मैं केमिकल की ओर जाने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा मैं एक ट्राई और करूँगी। मैं जितने भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो मार्केट में अवेलेबल है, मैं एक एक करके उनका यूज़ करूँगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी फ्रूटिंग नहीं हो रही तो आप सारे फर्टिलाइज़र ले आए और सारे एक साथ अप्लाई कर दें, ऐसा ना कीजिए। आप सीवीड का यूज़ ज़रूर कीजिए, भले आप ग्रैन्यूल में कीजिए उसका यूज़। मुझे ग्रैन्यूल नहीं मिला, मुझे लिक्विड मिला, तो मैं लिक्विड ले आई। एक बार मैंने स्प्रे किया, और हाँ उसे स्प्रे भी कर सकते हैं। एक बार मैंने स्प्रे किया और दो बार उसे मैंने मिट्टी में डाला, तो ये देखिए उसका असर काफ़ी अच्छे। गिलकी जो है, वो नैनुआ जिसे कहते हैं, वो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। और वीडियो थोड़ा ब्लर हो जाएगा क्योंकि मुझे पता नहीं चला कि कब ब्लर हो गया, तो माफ़ कर दीजिएगा। तो इसी तरीके से मैंने सीवीड का यूज़ किया, आप भी कीजिए अगर फ्रूटिंग्स नहीं आ रही है तो। और ऑर्गेनिक चीज़ों को मत छोड़िए प्लीज़। मैं छोड़ने वाली थी, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि फिर क्या मतलब है अगर मैं घर में सब्ज़ियाँ लगा रही हूँ, तो मैं मार्केट से ही ख़रीद लेती हूँ। काफ़ी अच्छी सब्ज़ियाँ मिल ही जाती हैं हमें मार्केट से, केमिकल वाली। और ऑनेस्टली मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि पालक जो है वो मैंने आज तक कभी भी मतलब मुझे साल भर हो गया है मैंने और नहीं ख़रीदा है मार्केट से। और इस ग्रो बैग में लौकी हो रही है, लौकी के तीन पौधे हो रहे हैं, और ये जो है इसमें मैंने चवला फली लगाई है, इसके सीड्स डाले हैं कल ही। और ये यहाँ पे सारे मेरे क्यूकम्बर के प्लांट्स, और बहुत ही अच्छी ग्रोथ लेते हुए। कभी भी इनमें फ्लावरिंग हो सकती है, इनमें भी मैंने सीवीड का यूज़ किया है, कभी भी फ्लावरिंग हो सकती है। चेक करते हैं कि कहीं कोई फ्लावर्स तो नहीं, बर्ड्स तो नहीं बन रही है। और ये देखिए ये सीड पता नहीं कब मैंने डाला और ये अब जर्मिनेट हुआ है, तो आई होप ये अच्छे से सर्वाइव कर जाए। गिलकी का है ये, चल जाना चाहिए, मौसम अच्छा है इसलिए। और सारे फ्लावर्स की बास्केट बहुत ही सुंदर लग रही है, और सभी पौधे अच्छे से चल रहे हैं। ये बास्केट भी बहुत ही सुंदर लग रही है। अब मैं कुछ बिटर गॉर्ड करेले की हार्वेस्टिंग कर लूँगी, और हार्वेस्टिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितने करेले निकले हैं, क्योंकि छोटे बड़े सब उतार लेती हूँ। अभी फल मक्खी बहुत डंक मार रही है फलों में, तो हमें जल्दी ही तोड़ लेना चाहिए, हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए उनके बड़े होने का। और ये सारे करेले मैं आज ही उतार लूँगी। बारिश होती से देख करेलों की साइज़ अच्छी हो गई है, थोड़े बड़े बड़े दिखने लगे हैं, वरना गर्मियों की वजह से बहुत छोटे छोटे दिखते थे। और ये देखिए करेले, आज की मेरी छोटी सी हार्वेस्टिंग। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरी गार्डनिंग अपडेट आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा।